उस कंट्री को बैंड कर देंगे, वहां से लोग आना बंद कर देंगे। अगर वीजा भी आपका स्टम हो गया, वीजा लग गया या टिकट भी हो गया, फिर भी आप नहीं आ सकते। हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। गाइस, ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आप इंडिया से या बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या कोई भी कंट्री से अगर आप सफर कर रहे हो, इंटरनेशनल सफर करना चाहते हो, या अगर आप सऊदी जा रहे हो या कुवैत जा रहे हो या दुबई जा रहे हो या कतर आ रहे हो, तो वीडियो जरूर आप लोग देखिए और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, तभी ये चीज़ आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग गलती न करें आने के लिए। अगर आप लोग अपने देश से कमाने के लिए कहीं जा रहे हो, या सऊदी या दुबई को या कुवैत कतर कहीं पर भी अगर आप जा रहे हो कमाने के लिए, तो इस टाइम आप लोग को पता है कि कोरोना कितना ज़्यादा चाइना में फैल रहा है, कितने ज़्यादा जोर से, यानी कि वहाँ पर लोग मर रहे हैं और कितना ज़्यादा कोरोना की वजह से चाइना इस टाइम परेशान है। तो हर कंट्री अलर्ट पर है, इंडिया भी अलर्ट पर है, कतर भी अलर्ट पर है, यानी कि सारी गवर्नमेंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट, या वो सऊदी हो या दुबई हो या कतर हो या कुवैत हो या इंडिया हो या पाकिस्तान, कोई भी कंट्री हो, सारे कंट्री अलर्ट पर हैं। अगर केस बढ़ना चालू हुआ या इंडिया के अंदर या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री में अगर चालू हो गया, केस बढ़ना चालू हो गया, केस निकलना चालू हो गया फिर से दोबारा से, तो भाई अगर आप लोग सफ़र कर रहे हो, अगर आप कमाने जा रहे हो या कोई भी काम में कतर या कोई भी कंट्री, अगर आप मजदूरी करने जा रहे हो या कंपनी में जा रहे हो या डिलीवरी में जा रहे हो, कोई भी कंपनी में आप काम करने जा रहे हो, तो आप लोग एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, अपना जो वैक्सीन या पहली वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन या तीसरी वैक्सीन, जो भी वैक्सीन है, सारी वैक्सीन यानी तीन वैक्सीन तो आपको लाजिम लगा के रेडी रखना होगा, तभी आप लोग सफ़र करें। क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं कब कौन सा नियम चालू हो जाए, कब कौन सा नियम आ जाए कि आप एयरपोर्ट पे हो, आपका यानी कि यहाँ से हो गया एयरपोर्ट पे कि आप जब तक ले तीसरी वैक्सीन लगवा के नहीं आते हो, जब तक ले आपको एंट्री नहीं होगी, आप रिटर्न कर दिए जाओगे। तो भाई कोई भरोसा नहीं है कोई भी कंट्री का, ना सऊदी ना दुबई ना कुवैत ना कतर, कहीं का भी भरोसा नहीं है कि कब नया नियम आ जाए कोरोना को लेकर। क्योंकि कितने दिन आपको यहाँ पर क्वारंटीन किया जाएगा, कितने दिन के बाद आपको यहाँ से निकाला जाएगा, तो अभी नॉर्मल चल रहा है, अभी कोई भी यहाँ पर ना वैक्सीन की ज़रूरत है, ना मास्क की ज़रूरत है, ना यानी कि यहाँ क्वारंटीन ज़रूरत है। अभी कतर के अंदर कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सारा चीज़ यहाँ पर हटाए, यानी नॉर्मल तरीके से अभी लोग आ रहे हैं और नॉर्मल तरीके से यहाँ से लोग जा रहे हैं। पर गवर्नमेंट अलर्ट पर है, जैसे कैश मिलना चालू हो गया कोरोना को लेकर, तो सारी कंट्री जिन कंट्रीज में, जैसे इंडिया में केस बढ़ना चालू हो गया, तुरंत सऊदी दुबई कोई कहता सारी कंट्री बंद कर देंगे फ्लाइट को, या जो लोग आएंगे, जो लोग एयरपोर्ट पे हैं, जो लोग आएंगे, तो भाई वैक्सीन उनकी ज़रूर ज़रूर चाहिए। और आप लोग वैक्सीन लगवा के रखें, अगर कहीं पर भी जाते हो, कोई भी कंट्री अगर आप जाते हो, सफ़र करते हो, कमाने के लिए जाते हो या लेबर में जाते हो, कोई भी काम में जाते हो, तो आप लोग ज़रूर ये चीज़ ध्यान रखें कि अपनी कंपनी में या अपनी वैक्सीन रेडी करके रखें, और तभी आप लोग के ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई नया नियम आ गया, आप सफ़र कर रहे हो, तो एयरपोर्ट पर से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा अगर आपका वैक्सीन नहीं लगाए। आपका वैक्सीन लगा होना चाहिए, आपके पास पेपर होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वैक्सीन का, तभी आप लोग आ सकते हो। ये चीज़ ज़रूर ज़रूर याद रखें, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में कोई भी नियम बदल सकता है, कोई भी नियम जारी हो सकता है, क्योंकि कोरोना इस टाइम चाइना में इतना ज़्यादा फैल रहा है, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे ख़त्म हो रहे, मर रहे हैं, कि वहाँ पर हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ना हॉस्पिटल में जगह है, ना बाहर जगह है, यानी लाश रखने की जगह नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट अलर्ट पर है, जैसे केस बढ़ना चालू होगा कोई भी कंट्री में, इंडिया में चालू होगा, तुरंत इंडिया को बैंड कर देंगे, हर कंट्री बैंड कर देंगे कि कोई भी इंटरनेशनल सफ़र नहीं कर सकता है। अगर पाकिस्तान से मिल रहा है या कोई भी और कंट्री से मिल रहा है, तो तुरंत उस कंट्री को बैंड कर देंगे, वहाँ से लोग आना बंद कर देंगे। अगर वीजा भी आपका स्टम हो गया, वीजा लग गया या टिकट भी हो गया, फिर भी आप नहीं आ सकते हो। तो इससे बेहतर कि अपने से आप लोग रेडी रहो, वैक्सीन लगा रखो और PCR टेस्ट भी जरूर जरूर करा लेना आने के टाइम, क्योंकि एयरपोर्ट पर कोई भी खतरा आपको ना हो। क्योंकि अभी नॉर्मल तरीके से चालू हुए, आपको भरोसा नहीं, आप घर से निकलो, कोई नया नियम जारी हो जाए, बोले कि मुझे PCR टेस्ट दिखाओ, कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाओ, तो इससे बेहतर कि भाई आप रेडी करके रखो। अगर आप कतर, सऊदी, दुबई कहीं भी जाना चाहते हो, तो ये मेरी एक राय है छोटी सी आप लोग के लिए। और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ भाई, अगर आप सफ़र करते हो तो वैक्सीन और ये सब चीज़ आप रेडी करके रखो, कोई भी चीज़ आपको दिक्कत ना हो या आपको भी यहाँ पर आने के बाद क्वारंटीन ना होना पड़े, क्योंकि चाइना का बहुत बुरा हाल इस टाइम। गाइस, यही थी आप लोग तक पहुँचाने की खबर।